सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल एडुकेशन मेकर। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट ये आ रहा है, जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए CSAS पोर्टल लॉन्च किया गया है, क्या उसी तरीके से JNU का यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया गया है या नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अभी तक JNU की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग नहीं आया कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। बट यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा CSAS का, उसी तरीके से आपको JNU का एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना होगा JNU में एडमिशन लेने के लिए, जब आपका CUET का रिजल्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे JNU की तरफ से अभी UG और PG के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे एडमिशन के सेक्शन में एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है PhD स्टूडेंट के लिए। तो जो भी स्टूडेंट PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया गया है। तो सिंपली PDF को देखने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है, तो आपके सामने इसका जो PDF है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, PDF डाउनलोड हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन अनाउंसमेंट यहाँ पर रिलीज किया गया है PhD थ्रू GRF के लिए, PhD थ्रू GATE के लिए और डिप्लोमा ऑफ प्रोफिशिएंसी का यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया गया है। इसे फिल करने के लिए आपको JNU की वेबसाइट www.jnu.ac.in पर जाना होगा, या फिर jnue.jnu.ac.in पर जाकर के आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म आपका 24 अगस्त को रिलीज किया गया, जिसका लास्ट डेट है आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का, वो है आपका 23 सितंबर रात 11:50 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको JNU की वेबसाइट को विजिट करना होगा, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी अभी UG PG के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आया है, उसके बारे में नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा या फिर अपडेट आएगा आपको इसी चैनल पर मिलेगा। अगर आप JNU एडमिशन 2022 के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो, और CUET 2022 के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो।